यहाँ से केवड़े का विशाल जंगल शुरू होगा। तो दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि अब आपको केवड़े का विशाल जंगल से गुजरेंगे जो करीब 9-10 किलोमीटर का है। बहुत ही डरावना, रात की 2 बज रही है। हम देखने वाली ये बात है कि अभी सुरक्षित सफर तो है, लेकिन क्या कुछ कह नहीं सकते। काफी जंगली जानवर यहाँ पर अक्सर घूमते हैं रोडों पर, तो रात की 2 बजे हमें कुछ दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा ये तो हम आगे सफर भी देखते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ी रोड पे पड़ी है। रोड अब पहले एक जमाना था जब इस रोड पे 8 बजे बाद 9 बजे बाद गुजरना मुश्किल था, लेकिन अभी तो हम आराम से जा सकते हैं। पहले तो भयंकर जंगल, डरावना जंगल, क्या बताऊँ, बहुत ही खतरनाक माहौल था, लेकिन अभी धीरे धीरे ठीक हुआ है। तो जगह जगह आपको लाइटें भी दिखाई दे रही, लेकिन आगे लाइटें नहीं दिखाई देगी क्योंकि आगे ये जंगल सेंचुरी शुरू हो चुका। बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वीरान फूट पेड़, देखते हैं क्या कुछ हमें सफर में मिलता है। सफर बड़ा ही खतरनाक है और हमारे कारगर जल में चल रही है। रोड पर ये जो लगाए गए हैं ये बहुत ही अच्छे रेबिन है, जिससे एकदम उजाला पड़ता है स्टिकर। यहाँ दिन को बहुत अच्छा लगता है, वहीं रात को बड़ा डरावना सा लगता है। अरे बाप रे बाप, तो कुछ गाड़ी आते हुए हैं। कुछ गाड़ियां आ भी रही है, कुछ गाड़ियां जा भी रही है, और मेरे गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर साहब बड़े शांत बैठे हैं। सन्नाटों में सन्नाटे, एक भी बड़ का पेड़, जंगल का विशाल जंगल, सबसे खतरनाक जंगलों में से एक ही ये केवड़े का जंगल। हो सकता है कि हम भी इस जंगल से पाएंगे रात को, आंखों को दिखा पाए या हम भी देखें। कैमरा हाथ में है, बिल्कुल मुस्तैदी के साथ इस सफर को कर भी रहे हैं, कट भी रहा है, आप लोगों से बात भी कर रहे हैं। और सन्नाटा भरा जंगल, विराट जंगल, विशाल पेड़, और क्योंकि जंगल हरा भरा इसलिए नहीं कि सारे पत्ते खड़ चुके हैं, अगर पत्ते अगर होते तो वो भी डरावना जो है वो कर रहता है। पेड़ों के पत्ते नहीं है इसलिए थोड़ा जंगल जैसा लग नहीं रहा है। उदयपुर यहाँ से 20 किलोमीटर है और अभी हमको जंगल का 7 किलोमीटर ऊपर लगा, 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। तो दोस्तों बने रहिए चैनल के साथ, क्योंकि हो सकता है कि आज के सफर में हमको कुछ जंगली जानवरों के दर्शन हो जाए। सन्नाटा सन्नाटा मसला हुआ है। ओहो क्या बात, बहुत जबरदस्त कह रहे मेरे विकेट मोर। अंधेरी रात में चीर के निकल रहा है सन्नाटा, रात की 2 बज गई है, आधी रात हो चुकी है।
आधी रात आती है तो क्या बात। कोई जल्दी से फल मिल सकता है लेकिन इंतजार करना होगा। इंतजार करने वाले को कुछ न कुछ जरूर दिखता है, मिलता नहीं है। रोटी मोटी तो जब जब रहा है अंधेरी रात को चीरता हुआ सन्नाटा खाली खाली रात, लेकिन अभी तक जंगली जानवर कोई दिखाई नहीं दिया है। काफी लंबा सफर किया है, हो सकता है आखिरी समय तक इंतजार करें, कुछ तो दिखाई देगा। लोमड़ी तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, क्या नहीं सुना उससे पहले। रोड पे भी अक्सर सांप निकलते रहते हैं, लेकिन अभी सांप ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। गर्मी का मौसम है, जंगली जानवर जो है पानी पीने के लिए अक्सर नदी के छोर पर आते हैं। जबरदस्त सन्नाटा है। ओहो, दो व्यक्ति हो और मोटरसाइकिल हो तो उस पर नहीं जा सकते भाई साहब इस जंगल में। पता नहीं बाइक खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो यहाँ कोई मदद करने वाला भी नहीं है, आप देख सकते हो, और कोई भरोसा भी नहीं करेगा क्योंकि ये यहाँ का माहौल ऐसे ही है। अलग तो पता नहीं है, आजकल सभी लोग यहाँ के लोग गांव के लोग मदद करते हैं, पहले जैसा माहौल नहीं रहा। बाकी खेमड़े का जो ये जंगल है, एक जमाने में लोग गांव जाते थे रात को यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे माहौल ठीक है। सफर का फल बहुत मीठा मिलता है। तो थोड़ा सब्र रखिए, कुछ न कुछ तो आपको जरूर दिखेगा, दिखाएंगे। हमें भी दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। इसलिए अंधेरे को चीरता हुआ सन्नाटा और रात की 2 बजे और ज्यादा हो चुके हैं। जैसे जैसे मिनट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमें भी अपने घर पहुंचना है। जब डरावना सफर, इक्का दुक्का गाड़ी यहाँ पर दिखाई देती है। इस प्रकार गाड़ी स्पीड से आती है और रात को कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब दोस्तों समझते ना, कुछ भी। यहाँ खाली रोड रहता है, जंगल का सफर है, गाड़ी की स्पीड रखनी पड़ती है। बहुत ही गजब का नजारा है। नींद आने लगी, लेकिन कर भी क्या सकते हैं क्योंकि जंगल से हमको निकलना है, घर जाना है, और ये जंगल कब खत्म होगा कुछ कह नहीं सकते। बाप रे बाप, जितना खूबसूरत लगता है रात को उतना ही खतरनाक डरावना ये लगता है जंगल पूरा। इनको तो ऐसा लगता है कि छाओ में बैठ जाओ आराम से, ठंडी ठंडी हवा आती है, लेकिन रात पड़ते ही यहाँ पर जो तापमान है वो भी लुढ़क जाता है, और उसके बाद अंधेरा डराने वाला डरे अंधेरा दिखाई देता है। जब पत्ते पेड़ों पे पूर्ण रूप से आ जाएंगे उसके बाद तो यहाँ पर 6 बजे ही अंधेरे जैसा माहौल रहता है पूरा। 6 बजे के बाद अंधेरा पूरा फुल। काफी देर हो गई लेकिन उबस की आने लगी, लेकिन अभी तक कोई जंगली जानवर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे रहे हैं तो सिर्फ सन्नाटे और कुछ आती आती गाड़ियां दिखाई दे रही है।
हैं इंतजार की घड़ी आप इंतजार करना चाहिए, हो सकता है कि आखिरी बोर्ड पे ही सुबह को दिखे। ये गाय बैठी हुई है, गाय बैठी हुई है वाकई में। यहाँ शेर तो नहीं होगा, जो गाय बैठी है और उसका जिंदा ये प्रमाण जो होता है कि शेर तो नहीं है। वो गाय भी नहीं थी, वो तो बैल था। तो थोड़ा सा जंगल, थोड़ा सा शेष हो रहा है, हो सकता है कि आखिरी छोल पर भी हमें कोई नजर आए। तो मात्र 2-2.5 किलोमीटर का सफर और है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर अधिकतम शेर दिखाई दे रहे हैं, रात को आ रहे हैं। अभी तक तो कोई शेर दिखाई नहीं दिया, जंगल दिखाई नहीं दिया। तो 10-11 किलोमीटर का सफर किया, ले पार कर लिया, लेकिन अभी तक कुछ भी जानवर रोड पे नहीं दिखाई दिया। ये बात तो है, एक लोमड़ी दिखाई दी थी जिसे हम खबर नहीं पहुंचा कर पाए। कैमरा चालू होने से पहले ही वो लोमड़ी भाग गई। ये नमन नाका खत्म, यहाँ से जंगल से चोरी खत्म हो जाती है और रिको जैसी चेरिया शुरू हो जाता है। हो सकता है कि रिको जैसी चेरी के आस पास में कहीं शेर घूम रहा हो तो वो भी दिखाए, लेकिन यहाँ भी नहीं घूम रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ जंगल खत्म हो गया है। जंगल खत्म होने के बाद अब हम मंगल में पहुंच चुके हैं। मंगल का मतलब शहर में पहुंच चुके हैं। उदयपुर, उदयपुर बस 17-18 किलोमीटर और दूर है। और ये टोल प्लाजा आ गया, यहाँ तो शेर आते नहीं क्योंकि यहाँ तो उसकी पर्ची कटती नहीं, पर्ची कटती नहीं है। ये चलो लेते हैं आपसे विदा। बढ़िया सफर रहा, शानदार सफर रहा। टोल का हम देंगे और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।